नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास खबर प्रयागराज से। विकास खंड उर्वा अंतर्गत ग्राम सभा पकड़ी सेवार में स्वामी पगलानंद आश्रम गंगा तट पर मूर्ति विसर्जन को लेकर सुबह से भक्तों का आना जाना लग गया। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन क्षेत्र में स्थापित की गई छोटी बड़ी मूर्तियों को प्रवाहित करने के लिए लोग स्वामी पगलानंद आश्रम गंगा तट पर आते हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति को लेकर लोग बाजे के साथ माँ की जयकारे का उद्घोष करते हुए गंगा तट पर पहुँचते हैं, जहाँ मूर्तियों को नाव द्वारा गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। गंगा घाट पर उपस्थित नाव वाले भी माँ को प्रवाहित करने के लिए भक्तों का सहयोग करते हैं, जबकि देखा जाए तो स्वामी पगलानंद आश्रम गंगा तट पर क्षेत्र की इतनी बड़ी संख्या में मूर्तियां प्रवाहित की जाती हैं। मूर्ति विसर्जन को लेकर सरकार द्वारा तरह तरह के निर्देश जारी किए जाते हैं, ताकि कहीं अप्रिय घटना न घटित हो। छोटे छोटे बच्चे मूर्तियों के साथ गंगा में प्रवाहित की गई चुनर व नारियल के लिए बच्चों द्वारा पानी में कूद कर जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। यही खिलवाड़ करना परेशानी का कारण बन सकता है। मेजा से धनंजय केसरी के साथ मंजेश चौधरी की रिपोर्ट।